सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सी एल अनर्स। तो आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। आज कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है या फिर कोई गाइडेंस वीडियो नहीं है। आज की वीडियो जो है मेरी खुद की सिचुएशन के ऊपर है। बहुत सारी वीडियोस मैंने बना दी स्ट्रेटेजीज वगैरह उसके ऊपर, लेकिन बहुत सारे लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर मेरी क्या सिचुएशन रही थी जो मैं इतना कुछ आप लोगों को बताती हूँ। तो बहुत सारे मतलब एक दो लोगों ने पूछा था, तो मेरा मन हो रहा है तो मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि क्या आखिर मेरी सिचुएशन रही थी सीए इंटर के टाइम पर। पर उससे पहले आप मुझे कमेंट्स में ये बताओ कि क्या आप ऐसी वीडियोस और देखना पसंद करोगे, या फिर आप लोगों को वही स्ट्रेटजीज वाली वीडियो ही पसंद है, या फिर आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अगली वीडियोज़ जो है हम वैसी डालेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि आखिर मेरी सिचुएशन जो है वो कैसी रही थी। तो अगर मैं आपको शुरुआत से बताऊं तो 12th में मेरे 95% थे, 11th में मेरी क्लास में फर्स्ट रैंक थी, 10th में मेरे 9.2 CGPA थे, फाउंडेशन में मेरे 310 मार्क्स थे। ओवरऑल मेरी एकेडमिक परफॉर्मेंस हमेशा से ही बहुत ही अच्छी थी। उसी वजह से सीए इंटर के टाइम पर भी मेरे ऊपर सोसाइटी का प्रेशर, जो रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं उनका प्रेशर, यहाँ तक कि खुद का भी एक था यार मैं तो कर लूँगी, मतलब वो था। तो पूरा जो टाइम है वो ऐसे ही सोचने में निकाल दिया कि यार मैं तो कर लूँगी। बट वही हुआ हर टाइम की, जैसे ही लास्ट टाइम पर मैंने 30 days या फिर 45 days तक मैंने आके सोचा कि यार ये क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं करा और एग्ज़ाम्स तो बिल्कुल सर पर खड़ी हुई है, तो अब मैं क्या करूँ। तो आप जैसे बहुत सारे लोगों की भी मेरी सिचुएशन जो है वो बिल्कुल मेरे जैसी ही होगी कि यार आप अब क्या करें, आखिर अब तो वेस्ट कर दिए तो कर दिए। तो स्टार्टिंग से एक दिन जो है वेस्ट कैसे हुए था कि वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारा जो है ना, स्टार्टिंग में हमने बहुत जल्दी इंटर का लाइक पढ़ाई शुरू कर दी थी। इंटर फाउंडेशन का रिजल्ट भी नहीं आया था तब से ही इंटर की पढ़ाई जो है हमने और मेरी लाइक फ्रेंड्स वगैरह थी उन्होंने शुरू कर दी थी। अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, हम स्लो पढ़ रहे थे, मतलब जैसे कि बाकी लोग जो है ना स्टार्टिंग से 6-7 घंटे पढ़ने लग जाते हैं, 2-3 सब्जेक्ट्स जो रहते हैं शुरू कर लेते हैं। हम एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और सिर्फ 1-2 घंटे पढ़ रहे थे, बट हमने बहुत जल्दी पढ़ना शुरू कर दिया था और डेली बेसिस पर पढ़ते थे। पर फिर बाद में क्या हुआ, 1-2 महीने हमने ऐसे पढ़ा और सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि ठीक यार अगर ऐसे भी पढ़ाई करी ना साल भर तो इंटर क्लियर तो हो ही जाएगा। क्योंकि एयर का एम तो उतना नहीं था, उतना मतलब थोड़ा बहुत था कहीं ना कहीं दिमाग में कि यार एयर भी आ जानी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन में मेरे सिर्फ 4 नंबर से एयर रही थी। तो दिमाग में था कि यार एयर भी, पर इतना ज़्यादा नहीं था। सबसे मेन मोटिव तो था कि दोनों ग्रुप जो है ना वो इंटर के निकाल लें। तो पढ़ना शुरू करा, पढ़ ही रहे थे इतने में जो है आपका मेरा सबका सबसे प्रिय चीज़ जो रहती है कोविड, वो हमारी लाइफ में जो है उस टाइम पर ही उसने प्रवेश किया था और उसकी वजह से लाइफ जो है पूरी तरह से डिस्टर्ब हो गई। 1-2 महीने हमने साथ में पढ़ा और फिर जो हम घर बैठे ना उसके बाद पूरी इंटर निकल गई और फिर कभी लाइक वो बाहर गए नहीं पढ़ने के लिए। 1-2 महीने सिर्फ पढ़ा था साथ में, बाकी जो पूरा साल है ना वो घर पर बैठकर ही फिर पढ़ना पड़ा। तो इसके चक्कर में पूरा इंटर इतना भयंकर तरीके से ख़राब हुआ। जैसे ही घर पर आया ना तो घर पर कोई पढ़ाई नहीं होती, साथ में थे तो पढ़ाई हो जाती थी। तो 1-2 महीने ऐसे निकले तो सोचा क्या ठीक है अब थोड़ा पढ़ना शुरू करूँ, फिर लेक्चर्स देखना शुरू करे 1-2 महीने के बाद। तो लेक्चर्स भी मैं इतनी आराम से देख रही थी लाइक, क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है क्या सामने वाला कितना देख रहा है, अपन को कितना देखना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो और कोई हमारा वो भी नहीं थी कि मैंने कोई पर्टिकुलर कोचिंग नहीं करी थी, अलग अलग सब्जेक्ट्स अलग अलग उससे लिए थे। तो सारे जो है खुद को ही मेरे को टाइम टेबल वगैरह बनाना था, तो उस टाइम पर इतनी सिंसियरिटी नहीं आई थी और ऐसा था कि यार चिल्ड आउट माहौल बहुत ज़्यादा था, घर में भी सब लोग खेलते वगैरह थे, तो फिर मन ही नहीं लगता था पढ़ने में। तो पूरा अच्छे तरीके से जो है टाइम पास करा और लास्ट में वही जब 2 महीने जो है ना लास्ट के वो जब बचे ना, तब फिर लग रहा था सामने सिचुएशन दिख रही थी कि यार दोनों ग्रुप का सोचा था, बट एक ग्रुप तो छोड़ो एक सब्जेक्ट भी इतना अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है कि एग्ज़ाम में दे सकूँ 2 महीने के बाद, तो आखिर करना क्या है। तो उस टाइम मैंने कोई ज़्यादा ऐसे यूट्यूब वीडियोस वगैरह नहीं देखी, ज़्यादा कोई ऐसी मेरी सीनियर्स वगैरह से कोई बातचीत नहीं थी, तो खुद ऐसा था कि जो भी करना है खुद से ही करना है। और उसके बाद फिर फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा नहीं थी लाइक, फाउंडेशन में हमारा 10 जनों का ग्रुप था लेकिन किसी ना किसी वजह से लाइक किसी का नहीं हुआ क्लियर, कोई बाहर चले गए, तो सिर्फ 2-3 बचे थे रतलाम में इंटर के वक्त। उसमें भी एक फ्रेंड से मेरी ज़्यादा बातचीत होती थी, वो बेस्ट फ्रेंड थी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो उसको, तो हम दोनों का ही साथ था। अब वो भी मेरे जैसी, ना वो पढ़ती ना मैं पढ़ती, तो हम दोनों एक दूसरे के इंस्पिरेशन बन गए कि यार ठीक है यार वो भी नहीं पढ़ रही है, पढ़ लेंगे। ऐसे करते करते जो अल्टीमेटली 2 महीने बचे, 45 डेज ही अप्रोक्स और बचे थे, और फिर आई मन में सिंसियरिटी कि नहीं भाई अब तो जो है ना लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन जो है, जिसके भी फ़ोन आते वो एक ही चीज़ पूछता कि बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, और फिर तू तो कर ही लेगी, वो एक सेंटेंस ऐड कर देते कि तेरा तो हो जाएगा।
तो इस चीज की वजह से ना दिमाग में इतना ज्यादा प्रेशर, इतना ज्यादा डीमोटिवेशन आ गया था। मतलब लिटरली मैंने इससे पहले इस लेवल का जो डीमोटिवेशन है, मतलब असलियत में वो डिप्रेशन था एक्चुअली, पता है, इतना ज्यादा हो गया। इससे पहले ना मैं मतलब हमेशा से अच्छा पढ़ती थी, बट इतनी टेंशन में कभी नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत पढ़ते थे और अच्छे नंबर आ जाते थे, बट लिटरल सेंस में वो जो डिप्रेशन क्या होता है ना, वो लास्ट के 2 महीने में पता चला था मुझे। 2 महीने तक मैंने ढंग से खाना नहीं खाया है, मतलब ऑलमोस्ट एक रोटी पे मैं जी रही थी उस टाइम पे तो। और उसके बाद फिर पूरे टाइम मतलब पढ़ने बैठो तो पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। ऐसा लगता था कि यार दिमाग जो है ना वो तो कहीं और ही जा रहा है। पूरे टाइम ऐसा लगता था कि यार मतलब कुछ भी कर रहे हो तो रोना जैसा आ रहा है। मतलब तो बहुत ही अलग सिचुएशन हो रही थी। मतलब मैं आप उसको वर्ड्स में कैसे मतलब एक्सप्लेन करूँ आप लोगों को, मुझे अभी वो समझ नहीं आ रहा है। तो बहुत ऐसी मतलब पूरी अलग सिचुएशन हो गई थी। तो उसके बाद फिर मुझे कहीं ना कहीं पता था कि यार मेरे ये जो डिप्रेशन का कारण है ना, ये क्या कारण है। तो हो क्या रहा था उस टाइम पे कि मैं और मेरी फ्रेंड जो है, जो मैंने आपको बताया कि वो एक मेरी फ्रेंड थी, जो हम साथ में लाइक पढ़ते थे, तो हम दोनों जो है ना साथ में पढ़ रहे थे। तो एक्चुअली हम दोनों पढ़ तो रहे थे, उसकी वजह से पढ़ाई भी हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन अगर आप साथ में पढ़ते हो ना तो हमारी बातचीत बहुत ज़्यादा होने लगी थी। मतलब हम फ़ोन पर जब बात करते थे, क्योंकि मिलना तो होता नहीं था, लॉकडाउन था, तो फ़ोन पे बात करते थे ना, तो पढ़ाई की अगर 2 घंटे बात कर रहे हैं हम फ़ोन पे, तो पढ़ाई की बात उसमें से सिर्फ 15 से 20 मिनट हो रही है। बाकी जितना भी टाइम है ना हम फालतू बातें कर रहे हैं कि उसका क्या, इसका क्या, उसकी मजाक उड़ा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पढ़ाई के अलावा जितनी भी बातें ना वो सब करते थे, यानी कि वो जो डीमोटिवेशन है, दोनों का जो डिप्रेशन लेवल है ना, वो कहीं ना कहीं कम हो सके। बट आप बताओ कि क्या उससे थोड़े टाइम के लिए हम फ्री हो जाते थे, खुशी हो जाती थी, लेकिन बाद में फिर लगता था कि यार ये क्या कर दिया। और सोचते थे ना उसके बाद भी उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, कहीं ना कहीं वो ही चीज़ें जो है वो बार बार हो रही थी। तो फिर मुझे ऐसा था कि यार मतलब ऐसी अगर कोई कंपनी मिल जाए आपको कि जिसके साथ पढ़ाई कम और टाइम पास ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे लगा कि यार फिर मुझे एक चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ तो यहाँ पर मैं अपनी फ्रेंडशिप चूज़ कर लूँ क्यों, या तो फिर मैं अपनी पढ़ाई चूज़ कर लूँ। क्योंकि देखो अगर मेरे को उससे बात करना कम करना पड़ेगा तो मुझे उससे डायरेक्ट मुंह पे बोलना पड़ेगा कि ठीक है ना, अब तू फ़ोन मत कर या ऐसा मत कर, अब बात नहीं करेंगे ज़्यादा, तो यार सामने वाले को बुरा लग जाए या फिर जो भी लग जाए। पर मैंने एक चीज़ क्लियर कर ली थी कि मुझे इस टाइम पर प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को देनी है, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, मेरे करियर का सवाल है, ठीक है ना। तो मैंने सोच लिया था कि यार अगर अब ये चीज़ बंद नहीं करी ना, तो फिर सामने ही दिख रहा है कि पास होना कतई पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट अब जितने दिन बचे ना, उतने दिन मुझे अच्छे से लाइक पढ़ाई करनी है। और डीमोटिवेशन कैसे हो रहा था साथ में पढ़ने से, ये मेन चीज़ मैं आपको बता रही थी कि साथ में देखो वो अगर पढ़ रही होती ना, तो मुझे वो रहता था कि यार मैं भी पढ़ लूँ। पर एक्चुअल में होता क्या था कि वो भी नहीं पढ़ती थी, तो मेरा अगर पढ़ने का मन भी, तो मुझे लगता था कि यार मैं भी नहीं पढ़ती हूँ, वो भी नहीं पढ़ रही, फिर जब वो पढ़ेगी जब मैं पढ़ लूँगी, तो फिर मेरे साथ ऐसा वैसा वर्षा, अगर मैं कर रही हूँ तो वो भी नहीं पढ़ती थी। तो ऐसा हम क्या करते थे कि साथ में पढ़ने की बजाय हम पढ़ने की बजाय और कम पढ़ रहे थे, तो ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने चूज़ कर लिया था कि यार मुझे अब लाइक ये ओवर करना है। तो मैंने उसको साफ क्लियर बोल दिया था कि यार थोड़े दिन के लिए अपन बात जो है वो बंद कर देंगे। फिर हमने बात जब बंद करी, तब पता नहीं उसका साथ क्या हुआ कि उसने तो फिर एक दो पेपर दिया, अकाउंट्स का दिया और लॉ का दिया, और फिर बाद में उसने क्विट कर दिया था कि यार अब पेपर नहीं देना है, बाद में दे दूंगी, बट फिर उसने CA ही क्विट कर दिया था। लेकिन वो लास्ट के जो 15-20 दिन जब मैंने उनको बोला था, उसको बोला था कि यार अब अपन बात नहीं करेंगे, तब मैंने जो पढ़ाई करी ना एक्चुअल सेंस में, उस पढ़ाई की वजह से मैं पास हुई थी। तो ऐसा मैंने क्या पढ़ा उस टाइम पर, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, और आखिर इतना जो डिप्रेशन डीमोटिवेशन था वो कम कैसे करा, अगर वो सारी चीज़ें आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो वो उसके ऊपर एक वीडियो मैं सेपरेट बना दूंगी। तो अगर आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई हो, तो यही मेरी सिचुएशन थी, ऐसा सब मेरे साथ हो रहा था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।